शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमें लगा कि हमें हमारी बहू मिल गई। इस खानदान से रिश्ता जुड़ जाएगा तो और क्या ही देखना है। हमने सोचा संस्कार तो अच्छे ही होंगे भाई साहब, आपके साये में जो पली है, और बिन बाप की बेटी है, उसके भी हाथ पीले हो जाएंगे तो आपकी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। क्यों, क्या कहते हैं भाभी? हमने श्रवणी की शादी के बारे में अभी नहीं सोचा है। उसका बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है। उसे आंखों का डॉक्टर बनना है। जब वो डॉक्टर बन जाएगी तब हम सोचेंगे। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गए। बुरा मानने वाली बात तो की है आपने भाई साहब, सरकारी नौकरी है लड़की की, और हम लड़के वाले होके भी सर झुका के आपके सामने आए लड़की मांगने, और आपने आव देखा ना ताव, साफ साफ मुंह उठा के मना कर दिया। भला कोई हमें कमी थी रिश्तों की? पर ये तो इन्होंने बोला कि भानु भाई साहब की थोड़ी जिम्मेदारी कम कर दे, बिन बाप की बेटी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, पुण्य मिलेगा। लेकिन आप ये क्या लगा रखा है बार बार, बिन बाप की अनाथ नहीं है वो? और आपसे किसने कह दिया कि वो सिर्फ जिम्मेदारी है? हमारी बेटी है वो। किसी को तरस खाने की जरूरत नहीं उस पे, अपने पैरों पे खड़े होने लायक है हमारी श्रवणी। अब चल भी दो या पूरी बेइज्जती करानी बाकी है? बेटी होने और बेटी जैसे होने में फर्क होता है भानु। बाप होते तो आज उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसका घर बसाने की सोचते। प्रभात, चीखो मत। इतनी बड़ी हवेली है लेकिन तुम उसे कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने भेजोगे? एक मिनट भाई साहब, रिश्ता मना किया है, ठुकराया नहीं है। आप मर्यादा में रहकर बात कीजिए। और रही बात श्रवणी की, तो हम उसकी माँ हैं। हमने कह दिया ना, और अगर आज यहाँ केशव होते तो वो भी यही कहते जो बड़े भैया ने कहा। गोरखपुर है, दिल्ली मुंबई नहीं। यहाँ पे माँ बाप अपनी बेटी की डोली कंधे पे उठा के उसे ससुराल भेजते, ना कि अपने पैरों पे खड़ा करके उसे पैसा कमाने के लिए भेजते। चलिए। भैया, आओ जरूर, पांच रवनी। हाँ भाई, अपनी सुंदर सी जवान खोलो और बोलो। हमारे भैया जी कुछ पूछ रहे हैं। वो आई तो थी कॉलेज, रजिस्टर में एंट्री भी है। उसका चेहरा वेरा देखे थे? हाँ। देख के पहचान सकते हो? जी भैया। तो देखो, तो अब हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे श्रावणी। भैया पूरे श्रावणी, पूरे कॉलेज जान मारे, ना जाने कहाँ गायब हो गए वो मिस्टर हैंडसम। मजनू मिल गई। अब इसको कैसे भी करके एडमिशन लेने से रोकना है और अपनी छुट्टी का एडमिशन करवाना है। हाँ ठीक है, हम आते हैं अभी। जी, अबे कहाँ गई मजनू? जी भैया जी, इसका पता करो, कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है, सारी कुंडली निकालो उसकी। कुंडली? हमरी का शादी कराओगे का? बस जितना कह रहे हो उतना करो, समझे? और बिना शादी के तुम्हारे फेरे लगवा देंगे। जी भैया जी। मेहंदी जितना रचेगी पति उतना ही प्यार करने वाला मिलेगा।
क्या हो गया? ताऊ जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटी होने और बेटी जैसे होने में फर्क है भानु। बाप होते तो आज उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसका घर बसाने की सोचते। इतनी बड़ी हवेली है लेकिन तुम उसे कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने भेजोगे? बाप होते तो आज उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसका घर बसाने की सोचते। इतनी बड़ी हवेली है लेकिन तुम उसे कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने भेजोगे? बेटी होने और बेटी जैसे होने में फर्क है भानु। अरे तुम यहां गुड़िया रानी, क्या कुछ काम था? बहुत पसीना हो रहा है। थोड़े आंसू बात के लिए भी रख लीजिए। जब हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा माँ ने बताया हमें आप प्रभात अंगल की बातें दिल पे लगा ले। अरे उन्हें क्या पता कि आप हमको कितना प्यार करते हैं। हाँ और आपसे सगा बड़ा कौन है हमारा? कि सबके जाने के बाद हमने तुम्हें अपना बच्चा माना, हमने कभी भी बंटी और स्वीटी और तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं किया। लेकिन अगर हम सब भी कोई गलती हो गई, कोई कमी पेश रह गई हो तो कह देना बेटा, कह देना, हम कभी तो बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा। ताऊ जी, आप बेटी के आगे हाथ जोड़ते अच्छे नहीं लगते। आप भगवान है हमारे और भगवान से कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। ये बाबा की पगड़ी थी, बाबा पहनते थे पगड़ी, हम बचपन में उन्हें बांधते थे और आज आपके सर पे बंधेगी। हम बांधे भी हमने पगड़ी। अब आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि आप हमारे पिता नहीं तो उन्हें पगड़ी दिखा दीजिएगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।